आई इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलम्पैड क्लास एट क्वेश्चन पेपर 2018 क्वेश्चन नंबर 21 हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 216 क्यूबिक सेंटीमीटर कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम ए क्यूब हुज साइड इज 36 सेंटीमीटर साइड गिवेन है 36 सेंटीमीटर इसलिए वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब दैट इज 36 सिक्स इंटू थर्टी सिक्स इंटू थर्टी सिक्स क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब्स गिवेन वन हंड्रेड सिक्सटीन क्यूबिक सेंटीमीटर तो हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स पॉसिबल फ्रॉम दिस बिगर क्यूब दिस इज़ वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब दिस इज स्मॉलर क्यूब्स वॉल्यूम इसको डिवाइड करने से नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएगा 216 इज़ इक्वल टू सिक्सटीन टू सिक्स टू सिक्स सिक्स हो जाएगा रिमेनिंग रहेगा 6 into 6 into 6, that is 216. It means 216 smaller cubes possible from this bigger cube. Option A is correct 216. Question number 22 The numerator and denominator of a rational number are in ratio 5 is to 7. When 6 is added to both numerator and denominator, the ratio becomes 4 is to 5. What is the rational number? राशियो गिवेन है फाइव इज टू सेवन राशियो ऑलवेज सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है लेट द राशनल नंबर बी फाइव एक्स बाई सेवेन एक्स एक्स इज द कॉमन फैक्टर विच वॉज कैंसल्ड टू बिकम राशियो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चिन सिक्स इज ऐडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द राशनल नंबर देन इट इज फाइव एक्स प्लस सिक्स बाई सेवेन एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू फोर इज टू फाइव गिवेन इसको फाइव से मल्टीप्लाई करने से ट्वेंटी फाइव एक्स प्लस थर्टी इसको फोर से मल्टीप्लाई करने से ट्वेंटी एट एक्स प्लस ट्वेंटी फोर सॉल्व करने से इक्वेशन सॉल्व करने से थ्री एक्स इक्वल टू सिक्स एक्स इक्वल टू टू हस रिक्वाड रैशनल नंबर फाइव इंटू टू सेवेन फाइव इंटू टू टेन सेवन इंटू टू फोर्टीन टेन बाई फोर्टीन इसका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइव बाई सेवन ऑप्शन बी इज करेक्ट फाइव बाई सेवेन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री इफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायेयर इक्वल टू सेवेंटीन बाई फोर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टू बाई फाइव इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस एक्स माइनस वन बाई एक्स ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ये इक्वेशन से x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा एंड फिर से x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा इसके लिए हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड को x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स इसका वैल्यू है x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर बट ये वैल्यू हमने आड किया इसीलिए सेम वैल्यू हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टू इंटू एक्स इंटू वन बाई x एक्स अंड एक्स कैंसिल हो जाएगा रिमेनिंग रहेगा माइनस टू हेंस लेफ्ट साइड बिकम्स एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू दैट इज सेवेंटीन बाई फोर टू राइट हैंड साइड आने से आड़ होगा एंड सॉल्व करने से ट्वेंटी फाइव बाई फोर इट मीन्स एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर क्या वैल्यू है ट्वेंटी फाइव बाई फोर बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर्स बोथ साइड रूट लेना पड़ेगा एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू फाइव बाई टू का होल स्क्वायर हेंस एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू फाइव बाई टू बोथ साइड रूट लेना पड़ेगा अब हमारे पास x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू है दैट इज़ फाइव बाई टू अगेन x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का हमें चाहिए माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स ये बन गया x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर ये सब किया इसलिए इतना आड करना पड़ेगा एक्स को एक्स कैंसिल हो जाएगा रिमेनिंग रहा टू इट मीन्स एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू जितना वैल्यू हमने ऐड किया था उतना वैल्यू हमने लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट किया इसीलिए इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा नाउ टू राइट हैंड साइड आने से सब्ट्रैक्ट होगा इसको सॉल्व करने से नाइन बाई फोर बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर इसीलिए इसका रूट लेना पड़ेगा बोथ साइड एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू थ्री बाई टू हमें ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए बोला गया है x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू हम निकाल चुके हैं एंड x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू भी हमारे पास है थ्री बाई टू एंड फाइव बाई टू हेंस इसको सॉल्व करने से टू बाई फाइव इंटू फाइव बाई टू प्लस थ्री बाई टू यहाँ प्लस है ये दोनों कैंसिल हो जाएगा वन प्लस थ्री बाई टू आंसर फाइव बाई टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर वन ईयर एट ट्वेल्व परसेंट पर आनम इज वन थाउजेंड टू हंड्रेड रुपीज व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली ऑन दैट सम एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड ये क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट दिया है टाइम पीरियड दिया है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है बस प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया इसीलिए हम प्रिंसिपल अमाउंट को पी लेते हैं सिंगल वेरिएबल इसलिए इजी से सॉल्व हो जाएगा लेट प्रिंसिपल अमाउंट भी पी सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला पी इंटू टी इंटू आर बाई हंड्रेड प्रिंसिपल अमाउंट टाइम पीरियड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई हंड्रेड सब्स्टिट्यूट करने से टाइम वन ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ट्वेल्व बाई हंड्रेड गिवेन सिंपल इंटरेस्ट वन थाउजेंड टू हंड्रेड इसको सॉल्व करने से पी इक्वल टू टेन थाउजेंड नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है सेम टाइम पीरियड वन ईयर बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली आल्सो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर्मूला यूज करेंगे दिस इज द फॉर्मूला पी मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट कंपाउंडेड हाफ इयरली इसीलिए आर बाई टू हुआ है एंड होल स्क्वायर हुआ है एन इज़ नंबर ऑफ ईयर्स इधर एन हमारा वन है नाउ अमाउंट निकालने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा पी टेन थाउजेंड आर ट्वेल्व इसीलिए टेन थाउजेंड दिस इज़ 200 हंड्रेड प्लस 12 200 हंड्रेड प्लस टूवेल्व बाई टू हंड्रेड टू इंटू वन इसको सॉल्व करने से 53 थ्री बाई फिफ्टी पावर टू टू इसीलिए लिए टेन थाउजेंड इंटू फिफ्टी थ्री बाई फिफ्टी इंटू फिफ्टी थ्री बाई फिफ्टी सॉल्व करने से एलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी सिक्स दिस इज़ अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट तो कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल दैट इज इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी सिक्स माइनस टेन थाउजेंड इक्वल टू वन थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी सिक्स रुपीज ऑप्शन ए इज करेक्ट वन थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी सिक्स रुपीज़ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी द गिवेन इक्वेशन इज करेक्ट ये इक्वेशन में हम पी को सॉल्व करेंगे इस टाइप का इक्वेशन फ्रैक्शन में जब भी आता है हम सबसे पहले सेम डेनोमिनेटर बनाना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन डेनोमिनेटर आएगा ट्वेल्व हम राइट हैंड साइड में भी ट्वेल्व ले सकते थे मैंने नहीं लिया आप लोग ले लीजिए ये टू से मल्टीप्लाई होगा टू माइनस टू पी दिस इज फोर से मल्टीप्लाई होगा एट पी सेम नेगेटिव नेगेटिव रहेगा एंड ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा ब्रैकेट ओपन होने से दिस इज़ नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव हेंस थ्री से मल्टीप्लाई होगा माइनस थ्री प्लस ट्वेंटी वन पी न्यूमेरेटर सॉल्व करने से ट्वेंटी सेवन पी माइनस वन बाई ट्वेल्व राइट हैंड साइड थर्टीन बाई सिक्स अगर इसको ट्वेल्व लिया होता तो ये ट्वेंटी सिक्स बाई ट्वेल्व होता एंड ये ट्वेल्व ये ट्वेल्व कैंसिल हो जाता दिस इज ट्वेंटी सेवन पी माइनस वन बाई ट्वेल्व ट्वेंटी सिक्स बाई ट्वेल्व राइट हैंड साइड ट्वेल्व ट्वेल्व कैंसिल हो गया रिमेनिंग रहा ट्वेंटी सेवन पी माइनस वन इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स सॉल्व करने से पी इक्वल टू वन ऑप्शन डी इज करेक्ट वन ए बी सी डी इज ये पैरालेलोग्राम एंड ट्रांगल ए डी एन एंड ट्रांगल ए बी सी आर आइसोसलेस ट्रांगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ हो एंगल बी ए सी दिस इज पैरालोग्राम ए बी सी डी एंड बोथ आइसोसलेस ट्रेंगल ट्रांगल ए डी एन में ये दोनों साइड इक्वल एंड ए बी सी में ये दोनों साइड इक्वल नाउ हमें निकालना है बी ए सी सिंपली यहाँ नाइन्टी डिग्री है एंड दिस इज ए स्ट्रेट लाइन तो दिस एंगल आल्सो 90 डिग्री इन दिस ट्रांगल ट्वेंटी फोर डिग्री प्लस नाइन्टी डिग्री एंड एंगल डी निकालने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगा अगर ये एंगल हमारे पास आ गया तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इसलिए एंगल डी इक्वल टू एंगल बी दिस इज ए आइसोसलिस्ट एंगल इसीलिए एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी बोथ एंगल्स इक्वल एंगल सम प्रॉपर्टी से हम एंगल बी ए सी निकाल सकते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है सिंपली ए बी सी डी इज पैरालेलोग्राम एंड बोथ आर आइसोसलिस्ट ट्रायंगल दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 24 डिग्री दिस एंगल इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 24 दैट इज़ 66 डिग्री दिस इज 66 डिग्री अगर एंगल डी इज 66 डिग्री देन एंगल बी ऑल्सो सिक्सटी सिक्स डिग्री बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरािलोग्राम आर इक्वल एंगल बी दट इज ए डी एम एंगल ए डी एम दट इज सिटी सिक्स डिग्री एंगल ए सी बी इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल बी बिकॉज आइसोसलिस्ट एंगल दैट इज सिटी सिक्स डिग्री बोथ आर इक्वल साइड्स इसलिए एंगल्स आर इक्वल नाउ एंगल बी ए सी जो क्वेश्चन में पूछा गया है 180 हंड्रेड एटी माइनस टू इंटू सिक्सटी डिग्री और 66 सिक्स प्लस सिक्सटी इक्वल टू 48 डिग्री एंगल बी ए सी इक्वल टू 48 डिग्री ऑप्शन सी इज करेक्ट